प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु को दी श्रद्धांजलि, कहा श्री हरिचंद ठाकुर असमानता को दूर करने में उनकी भूमिका अद्वितीय है। ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खुद संसद की कार्रवाई को रोक रही। रिटायर्ड जज पर बयान देकर फंसे किरण रिजिजू, कांग्रेस ने कानून मंत्री को बताया डाकू, टीएमसी बोले सबूत दीजिए। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, बोली राहुल जी महान इसलिए हैं क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। नोबल विजेता अमर्त्य सेन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने फिर दिया नोटिस, विश्व भारती ने अमर्त्य सेन को घर खाली करने को कहा। तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख अन्नामलाई का बड़ा बयान, बोले नहीं चाहती ऐसी राजनीति जहां धन बल हावी हो, चुनाव के बाद कर्ज में डूब गया हो। सपा नेता अबू आजमी के बिगड़े बोल, कहा मुसलमानों ने हजार साल राज किया, 70-75 साल में ही इस हांडी में उबाल आ गया। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा कई बार कुछ भी कहकर खबरों में बने रहना कुछ लोगों की आदत सी बन गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से दिखाया न्यायपालिका को आईना, बोले संसद में होना है संविधान का विकास। कांग्रेस की सावरकर समझा क्या पोस्ट पर रिजिजू, बोले हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं महान आत्मा का अपमान ना करें। कांग्रेस सांसद बिट्टू का अमृतपाल पर निशाना, बोले पंजाब दवारिस कहने वाला चूहा बिल में छिपा, सिखों पर लगाया धब्बा। एआईयूडीएफ विधायक इस्लाम ने दिया बड़ा बयान, बोले असम के मुख्यमंत्री हिंदुत्व नेता बनने की दौड़ में शामिल। जयराम रमेश ने ऑपोजिशन फ्रंट को लेकर दिया बयान, कहा मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की निशानी पर हमें बोलने नहीं दिया जाता। अमृतपाल की तलाश तीसरे दिन जारी, जालंधर में छिपे होने की आशंका, चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया, अब तक 114 गिरफ्तारियां। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात जारी, बिहार में अगले 48 घंटे बारिश और ओले गिरने की संभावना, यूपी में 5 दिन में बारिश का अलर्ट। चैत्र नवरात्र पर वाराणसी को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, रोपवे का करेंगे शिलान्यास। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर वार, कहा भाजपा से नहीं भारत से माफी मांगे राहुल गांधी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले देश को तोड़ने वालों की जगह जेल में राहुल गांधी को बताया गैर जिम्मेदाराना। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया कड़ा प्रहार, बोले भाजपा को जो हरा सकता है उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की छापेमारी चल रही।
मोहन भागवत के कार्यक्रम में मंत्री के सामने रोई महिला, बोली मेरे पति आरएसएस से थे, पुलिस कस्टडी में, उनकी हत्या हुई, सुनवाई तक नहीं हो रही। लखनऊ कानपुर में बारिश का अलर्ट, 36 शहरों में अलर्ट हुआ जारी। वाराणसी में देर रात ओले गिरे, 24 घंटे में यूपी में 1.9 मिलीलीटर बरसात का रिकॉर्ड। दलित महिला की अर्थी बनाने से बढ़ाई का इनकार, गांव के 3 बढ़ाई नहीं माने तो पुलिस ने दूसरे गांव से बुलवाया, तब हुआ महिला का अंतिम संस्कार। आगरा में पकड़ी गई 25 लाख की शराब कैंटर में छुपाकर बिहार लेकर जा रहा था ड्राइवर, बिल मांगने पर दवा का पर्चा थमाया। रेलिंग तोड़ते ओवरब्रिज से 20 फुट नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, चालकों को नींद आ जाने के कारण हुआ हादसा। झांसी में बदमाशों ने मचाया कोहराम, 10 दिन में 2 डकैती डाली, लूट और चोरी के 10 से ज्यादा वारदातें, सुरक्षा के दावे फेल। मुरादाबाद पुलिस के लिए 12वीं की छात्रा का सुसाइड नोट, लिखा सर मैंने और मेरे माता पिता ने हर जगह फरियाद की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्नाव में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, गेहूं की फसल खेतों में गिरी, सरसों की कटी पड़ी फसल भी हुई बर्बाद। जालौन में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा, मुठभेड़ के दौरान 5 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। उन्नाव में युवती की गोली मारकर की गई हत्या, आरोपी 24 घंटे बाद भी गिरफ्त से दूर, झाड़ियों में मिला था युवती का शव। बेटी की इज्जत के लिए खूनी बना पिता, बरेली में सौरभ हत्याकांड और कातिल तेजपुरी, बोला बेटी के साथ ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। आगरा में सहकारी समितियों पर भाजपा की जीत, सभापति और उपसभापति के पदों पर भाजपा का कब्जा। बस्तियों तक पहुंचेगी आरएसएस की शाखाएं, प्रयागराज के 196 मंडल और 373 बस्तियों में संघ की दस्तक, प्रांत प्रचारक ने दी जिम्मेदारी। नोएडा में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क, सक्रिय मरीजों की संख्या 26 पहुंची, 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। गोरखपुर पुलिस में एसएसपी ने किया बड़ा फेरबदल, 6 सीओ और 15 थानेदार बदले, 5 से छीनी थानेदारी, वही 4 नए को मिली जिम्मेदारी। करण की चपेट में आने से युवक की मौत, बचाने आई मां भी झुलसी, बलिया से वाराणसी किया गया रेफर, 9 दिन पहले ही हुई थी शादी। मिर्जापुर में कोचिंग सेंटर में हमला करने वाला छात्र गिरफ्तार, नाबालिग को पुलिस ने भेजा बाल सुधार गृह, 2 छात्रों में हुई थी मारपीट। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, नारकोटिक्स के सामान भी बरामद, रीशो सिंह गैंग के है एक्टिव मेंबर। संभल में कोरोना पॉजिटिव मिली महिला, स्वास्थ्य विभाग ने महिला को किया होम आइसोलेट, वही डॉक्टर बोले 4 महीने बाद मिला पहला केस। महोबा में हिट एंड रन में 4 घायल, सड़क किनारे सब्जी बेच रहे 3 ठेले वालों को मारी टक्कर, लेखपाल भी चपेट में। कुएं से पानी लेने को लेकर चले लाठी डंडे, 2 महिलाएं सहित 8 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल कराया।
मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर पशु तस्करों ने झोंका फायर। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटे भाई को अस्पताल में कराया गया भर्ती, खड़ी ट्रक में बाइक लेकर घुस गया था। फिरोजाबाद में फंदे पर लटका मिला कपड़ा व्यापारी का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में सड़क किनारे खून से लथपथ मिले दो युवक, स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। आजमगढ़ में डीएम ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने के आदेश भी दिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किया संवाद, मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें इनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त, सरकार ने लॉन्च किए 166 ऐप, शिकायतों पर सख्त होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के चंपावत में आयोजित हुआ 10 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने किया मेले का शुभारंभ। उत्तराखंड में यूपी बिहार में सेवा दे रहे प्रदेश के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, हिरासत में लिए पदाधिकारी। उत्तराखंड के टीएचडीसी में हिस्सेदारी की जंग तेज करेगी सरकार, रोहतगी की मदद से सुप्रीम कोर्ट में करेगी मजबूत पैरवी। अमृतपाल को उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी किया गया अलर्ट, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका। उत्तराखंड के रुड़की में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के आरोपी अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पटाखा कारोबारी और उसका भतीजा को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में ताला तोड़कर घर में चोरी करना, युवकों को पड़ा भारी, चोरी करते समय पहुंच गया मालिक ने मचाया शोर, लोगों ने पकड़ कर धुना। उत्तराखंड के हरिद्वार में ससुराल आए दामाद का शव मिलने से फैली सनसनी, मानसिक रूप से बीमार चल रहा था युवक। उत्तराखंड के उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में महिला वार्डन से छेड़खानी, छात्रों का हंगामा देख पुलिस ने संभाला मोर्चा। ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, नीलकंठ मार्ग पर वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, दो बच्चों और एक युवती की मौत, 10 लोग हुए घायल। उत्तराखंड में भी बिगड़ा मौसम, पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश, अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर ठगे, 5.12 लाख रुपए व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आया था मैसेज। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास के बीच परमाणु हमले की तैयारी करो, किम जोंग ने सेना को आदेश दिया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बड़ी मुश्किलें, पेंशन कानून के खिलाफ लेफ्ट और राइट दोनों लामबंद। बढ़ती ही जा रही इमरान खान की मुश्किलें, पूर्व पीएम समेत पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवाद का मामला दायर। दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीपीय देश कांगो में उग्रवादियों का खूनी तांडव, 22 लोगों को उतारा मौत के घाट, बेबस दिखी यूएन शांति सेनाएं। यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मारियुपोल दौरे की निंदा की, कहा अपराधी हमेशा अपराध स्थल पर लौटता है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन से तिरंगा उतारा और तोड़फोड़ भी किए, वही अमृतपाल सिंह का पोस्टर लिए थे। इमरान की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी छुपाए फॉरेन गिफ्ट्स, 117 तोहफों की जानकारी नहीं दी। इमरान खान की पार्टी पर बैन का खतरा, पूर्व पीएम पर आतंकवाद फैलाने का केस दर्ज, बुधवार को मीनारे पाकिस्तान पर रैली करेंगे। बांग्लादेश में बड़ा सड़क हादसा, 47 यात्रियों को लेकर ढाका जा रही बस खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत, 30 घायल। ब्रिटेन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण अगले महीने, खतरे की आशंका पर यूजर्स के मोबाइल पर आएगी चेतावनी। ₹60,000 के करीब पहुंचा सोना, नया ऑल टाइम हाई बनाया, चांदी भी ₹68,000 के पार निकली। ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए अब देने होंगे पैसे, ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ही मिलेगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा। भारत दुबई मेट्रो स्टेशनों की तुलना पर ट्रोल हुए संजीव कपूर, दुबई के स्टेशनों को बेहतर बताया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का असर, अडानी ग्रुप ने 34,900 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम रोका। सेबी ने सख्त किए आईपीओ के नियम, पेटीएम के निर्गम के से हुए नुकसान से नियामक ने लिया सबक। डिज्नी भी करेगी 4,000 कर्मचारियों की छटनी, छटनी से $7 बिलियन बचाएगी कंपनी। अमेरिका के सिग्नेचर बैंक को खरीदेगा एफडीआईसी, एफडीआईसी ने महत्वपूर्ण हिस्सा खरीद सकती है न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। रमेश चौहान की बेटी जयंती चौधरी बनेंगी बिस्लरी की नई बॉस, टाटा ग्रुप से नहीं हुई डील। डीएलएफ अगले 4 साल में करेगी 3500 करोड़ रुपए निवेश, गुरुग्राम में बनाने जा रही लग्जरी अपार्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी के लिए वरदान बना बैंकिंग संकट, बिटकॉइन की कीमत $27,110 प्रति यूनिट से ज्यादा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर किया क्लीन स्वीप, दूसरा मैच पारी और 58 रन से जीता सीरीज 2-0 से अपने नाम की। कार्लोस अल्कारेज फिर बने वर्ल्ड नंबर वन, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराया।
सूर्य कुमार यादव के बचाव में उतरे दिनेश कार्तिक, कहा मुझे लगता है कि सूर्या किसी दूसरी जगह पर अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेहोप ने जड़ा तूफानी शतक, वेस्टइंडीज के शेहोप बल्लेबाज ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड। महाकाल की शरण में क्रिकेटर उमेश यादव, भस्मारती में हुए शामिल, बाबा से सुख शांति की कामना की। भारत की तीनों मेंस रेस वॉकर 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई, एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप से अक्षदीप का गोल्ड। वनडे में भारत की सबसे बुरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 234 बॉल रहते 10 विकेट से हराया, एक्सपर्ट्स बोले बैटिंग में खामियां थी। मिचेल स्टॉक ने भारत पर बरपाया कहर, पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और ब्रेट ली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार गोल्डन डक पर हुए आउट। चेन्नई सुपर किंग्स ने काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, दक्षिण अफ्रीकी बॉलर सिसांदा मंगाला को टीम में शामिल किया। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, ईमेल में लिखा लॉरेंस का इंटरव्यू नहीं देखा तो देख लो अगली बार झटका लगेगा। परिवार को सता रही सलमान खान की चिंता, बिश्नोई गैंग के खतरे को देखते हुए इवेंट से बचने की सलाह दी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने किया मुंबई में बैले डांस, बोली ये सुषमा स्वराज का आइडिया था, वो चाहती थी कि मैं ये डांस बनारस में करूं। लंदन की सड़कों पर अलायफ के साथ फिर की मानुषी छिल्लर, कल हो ना हो के हिट गाने इट्स द टाइम टू डिस्को पर किया जबरदस्त डांस। खान का बड़ा बयान, बोले पापा चाहते थे हम उन्हें मां जितना प्यार ना दे लेकिन सम्मान जरूर दे। एनटीआर के साथ जानवी कपूर करेंगी टॉलीवुड डेब्यू, 23 मार्च को हैदराबाद में मुहूर्त पूजा के बाद शुरू होगी शूटिंग। विराट की बायोपिक करने वाले रामचरण, कहा मौका मिला तो जरूर उनका किरदार प्ले करूंगा, वो एक इंस्पिरेशन है। डीजे अक्षय कुमार की मिली लाश, भुवनेश्वर स्थित घर में संदिग्ध हालत में मिली बॉडी, घर वालों का आरोप गर्लफ्रेंड ब्लैकमेल कर रही थी। प्रभुदेवा ने दिया रामचरण को सरप्राइज, फिल्म आरसी 15 के सेट पर पूरी क्रू के साथ नाटू नाटू पर थिरके। दिशा सालियन के एक्स बॉयफ्रेंड रोहन करेंगे कश्मीर में शादी, को स्टार शीन दास से ऑन स्क्रीन हुई मुलाकात। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।